आज हम लोग क्लास 11 पाठ संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.1 का परिचय पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर क्लास 11 का ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका उपयोग अन्य चैप्टरों में भी पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म ये क्या होता है, इसको बोलते हैं देखिए ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या चीज होता है उसको देखेंगे। फिर इसमें होता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन भी देखेंगे, कार्टेजियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार के कई भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हम लोग बड़े आराम से और धीरे धीरे अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम इसको हर शब्द को एक अच्छी तरह से विस्तार से और उदाहरण देकर इसको हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए क्या चीज़ होता है। देखिए, इसमें लिखा है और क्रमित युग्म, ठीक ना। तो ये क्या चीज़ होता है, तो इसके लिए देखिए क्लास 10 का आपने पढ़ा होगा। क्लास 10 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति ये पढ़ा होगा, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसमें। तो इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए एक ये कार्तीय तल होता है, ठीक ना। ये है कार्तीय तल। इस तल में किसी भी तल को चार बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये होता है यक्ष अक्ष, ठीक ना। तो ये यक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो ये वाई डैश हो गया, ठीक ना। इस तल के अंदर अगर हमें किसी बिंदु को दिखाना हो, इसकी स्थिति को दिखाने के लिए हमको एक पेयर की जरूरत पड़ती है। ये वास्तविक संख्याओं के एक पेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लिया देखिए यक्ष अक्ष पर ये जो होता है 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार ये -2, -3 और -4, ठीक ना। तो अगर मुझे यहाँ पर एक बिंदु दिखाना हो, ये चीज़ अगर ये बिंदु है तो ये इसकी स्थिति क्या है, तो हम इसको लिखेंगे। देखिए ये लिखते हैं हम लोग 2 और 3, ठीक ना। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसका स्टडी, थोड़ा सा रिवीजन कह सकते हैं, थोड़ा रिवीजन का ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा संक्षेप में इसको बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इस बिंदु को दिखाने के लिए हमने एक जोड़ा लिया, है ना। जोड़ा पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो एक दो अंकों का एक जोड़ा लिया, ठीक ना। इसी प्रकार इस तल पर अनगिनत बिंदु होते हैं, ठीक ना, या अनंत बिंदु होते हैं, और उनको दिखाने के लिए हमको इस तरह का एक पेयर लेना पड़ता है, ठीक ना। जैसे अगर हम यहाँ पर लेना चाहें, देखिए यहाँ पर अगर कोई बिंदु दिखाना हो तो ये हमको 3 और -3 लेते हैं, ठीक ना। जैसे ये वाला होता है पहले यक्ष वाला अक्ष का की दूरी दिखाता है, फिर ये वाई को दिखता है ना, इसको भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार अगर इस बिंदु यहाँ दिखाना हो मुझे, तो ये लिखा देखिए ये रहा, इसमें पहले यक्ष को देखते हैं -2 और -3 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने देखिए 3 बिंदु दिखा दिया, तो 3 बिंदुओं को लिए 3 पेयर का जरूरत था, है ना। और ये वास्तविक संख्या हो सकती है जो भी हमने यहाँ लिखा। अब देखिए इनको अब तो समझ में आ गया हो कि ये इसको जोड़ा बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया जोड़ा में, क्योंकि 2 अंक का, देखिए किसी भी दो चीज़ों का जोड़ा को ही जोड़ा बोलते हैं। तो ये देखिए पेयर हमने लिया, ठीक ना। अलग बात है निर्देशांक में इसको भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक ना, और इसको कुल मिलाकर निर्देशांक बोलते हैं। किसी बिंदु को इस तल पर इसकी स्थिति को दिखाने के लिए हमें उसके निर्देशांक की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। अब देखिए अब हम यहाँ कह रहे हैं कि ये एक पेयर है, ठीक ना, अंकों का एक जोड़ा है जो किसी बिंदु को हमको यहाँ निर्देशित करता है कि इस तल पर इसकी क्या स्थिति है। अब देखिए इतना समय युग्म क्या होता है, ठीक ना, पेयर। तो हम यहाँ पर अगर हम इसमें इस तल की बात कर रहे हैं, तो हम केवल अंकों के जोड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए लिखा है क्रमित युग्म, ठीक ना। क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड, है ना, मतलब क्रम से होना चाहिए। जैसे अगर आप 2-3 लिए हैं, 2-3 लिए हैं, तो अगर आप इसके क्रम को बदल दें, ठीक ना, 3-2 लिख दें, तो आप
अगर इसको अगर आप इस तल पर दिखाएंगे ना तो वो किसी और बिंदु को के स्थिति को इस पर दिखाएगा, जैसे तीन दो है तो ये रहा, देखिए ये रहा तीन और दो, ठीक ना, तो ये किसी और के बिंदु की स्थिति बताने लग गया। इसी प्रकार तीन माइनस दो अगर हम दिखाएं तो देखिए इसी को अगर क्रम बदल दे, देखिए तो अगर हम इसका क्रम बदलेंगे तो हमको तीन माइनस दो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। और ये बिंदु देखिए कहाँ पड़ा, यक्स, और ये माइनस थी तो ये हमको यहाँ मिल गया, ठीक ना, तीन और ये माइनस दो। तो देखिए एक थोड़ा सा क्रम बदल देने से बिंदु का ये चीज यहाँ था तो अब ये चीज यहाँ आ गया है ना, किसी और बिंदु की स्थिति को दर्शाने लग गया। इसलिए हम जब इसमें पढ़ेंगे तो इसमें इसके जो पेयर लिखेंगे प्रिपेयर या जोड़ा युग में लिखेंगे उनके अंदर जो हम इन संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को लिखेंगे उनके क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तो हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्रमित युग में लेंगे हम इनको, ठीक ना। अब देखिए जैसे यहाँ होता है, जैसे हमने इसको दिखा दिया, ठीक ना, इस कार्तीय तल पर हमने सभी अंकों से संबंधित जितने भी बिंदुओं की स्थिति थी वो हमने दिखा दिया, ठीक। अब देखिए जो क्रमित युग में होता है, ठीक ना, क्रमित युग में किसी भी चीज़ का जोड़ा हो सकता है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ ए बी, ठीक ना, तो अब इसको हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते, ठीक ना, ए बी हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर राम और श्याम, ठीक ना, तो ये भी एक क्रमित युग्म है, ठीक ना, पेयर है ये, तो इस प्रकार हो गया। या अगर हम लिखें दिल्ली और मुंबई, तो ये भी दो शहरों का नाम है ये, और इनको हमने एक क्रमित युग्म में लिखा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि क्रमित युग्म को कार्तीय तल पर नहीं दिखाया जा सकता, ठीक ना, इसके कुछ भाग को दिखाया जा सकता जो अंकों से संबंधित हो, ठीक ना। अब देखिए इसमें एनसीईआरटी की बुक में इसका क्रमित युग्म को कैसे दर्शाया गया है वो देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि किसी क्षैतिज तल क्षैतिज पर, ठीक ना, क्षैतिज रेखा पर मान लिया ये शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा पर ये लिखा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक ना। अब देखिए किसी को अगर क्रमित युग्म को अगर लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख कर, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये लिखा, ठीक ना, तो ये लिख लिया। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर दिखाना हो, देखिए ये रहा, अगर मुझे एक और तीन दिखाना हो तो ये लिख लिया। इसी प्रकार अगर यहाँ पर तीन और चार हो गया, ठीक ना, ये हो गया तीन दो हो गया, ये हो गया एक और ये दो हो गया, ठीक ना, तो इस प्रकार ये लिखा। अब देखिए चूंकि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर नहीं है, ये दिखाया नहीं जा सकता, तो हम ये रेखा बस हटाते रहे हैं, ठीक ना। तो बस ये इस प्रकार हमको एनसीईआरटी की बुक में प्रदर्शित किया है। तो अब लग रहा है कि क्रमित युग के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा, ठीक ना। ये याद रखिए कि क्रमित युग्म को मतलब सीधे हम नहीं कह सकते कि कार्तीय तल पर हम दिखा दें, ठीक ना। तो ये हो गए सब क्रमित युग्म होते हैं, और इनके जो भी चीज़ लिखा है इनका क्रम का महत्व होता है। ए बी बराबर नहीं होता ये बी ए के, ठीक ना। इसी प्रकार दो तीन बराबर नहीं होता तीन दो के, ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा परिभाषा लिखते हुए चलते हैं, ठीक ना। तो इसका आगे लिखते हैं हम लोग, देखिए इसमें लिखेंगे क्रमित युग में, क्रमित युग में दो अवयव होते हैं, दो अवयव होते हैं, तो माना ए और बी, ए और बी है, जिसमें ए पहला घटक एवं बी दूसरा घटक है, ठीक ना। तो हम क्रमिक युग्म
तो हम क्रमित युग्म को कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ए ये बी, ठीक ना। तो इस प्रकार ये क्रमित युग्म के बारे में हो गया। अब लिखेंगे कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। तो ये देखिए क्या होता है, इसको लिखें कार्टेजन प्रोडक्ट। तो इसको पहले हम परिभाषित कर लेते हैं, ठीक ना, फिर इसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं दो अरिक्त अरिक्त समुच्चयों समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन, का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिन्हें जिसे पहला घटक समुच्चय ए से एवं दूसरा घटक समुच्चय बी से लेकर बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसको लिख लेते हैं। देखिए इसमें हमने क्या लिखा उसको हम उदाहरण लेके लिख लेते हैं। देखिए जैसे ए एक समुच्चय है जिसके घटक क्या हैं, एक दो तीन, और एक समुच्चय ले लिया बी जिसके घटक तीन चार ये पाँच हो गया, ठीक ना। तो हमको देखिए दो अरिक्त समुच्चय ए और बी लेना है, अरिक्त समुच्चय है जिसका कोई भी अरिक्त रिक्त नहीं है, का कार्तीय गुणन निकालना है हमको, कार्तीय गुणन। तो इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, ठीक ना। तो ए क्रॉस बी उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसे पहला घटक समुच्चय ए से और दूसरा घटक समुच्चय बी से लेकर बनाया जा सकता है। तो देखिए हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का ही परिभाषा है, एनसीईआरटी में एक और बी के स्थान पर पी और क्यू लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हम इसमें देखिए क्या लिखेंगे, देखिए पहले ए से पहला अवयव से बी के पहले अवयव को लेकर हम एक क्रमित युग्म बनाएंगे। देखिए इसको कैसे कैसे बनाएं, देखिए एक मान लिया ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, इसका अवयव एक दो तीन है और ये चार पाँच छः है। तो हम देखिए एक को पहले चार के संग इसको मैपिंग कहते हैं, ठीक ना, एम ए डबल पी आई एन जी, ठीक ना, मैपिंग कहते हैं। तो इसको मैपिंग किया एक से, फिर एक से पाँच का और एक से छः का कर लिया, तो हमको क्या क्रमित युग्म मिला, एक चार एक पाँच एक छः, ठीक ना। फिर यही दो के दो का चार दो का पाँच और दो का छः के संग करेंगे तो हमको मिलेगा दो का चार दो का पाँच और दो का छः। इसी प्रकार अब तीन का चार पाँच और छः के संग कर लेंगे तो हमको लिखा तीन का एक के संग, तीन का दो सॉरी तीन का चार के संग, तीन का चार तीन का पाँच और तीन का छः। तो इस प्रकार हमें कार्तीय गुणन दो समुच्चयों एक को लिखते हैं, एक क्रॉस बी लिखते हैं और इसमें देखिए क्रमित युग्म ये हो गए, ठीक ना। तो इस प्रकार कार्तीय गुणन निकलता है। अब देखिए इसके आगे अगर हम इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखें तो इसमें लिखेंगे ए क्रॉस बी का क्या लिखेंगे, देखिए एक क्रमित युग्म ए और बी, ठीक ना, एक क्रमित युग्म जो ये आया इस प्रकार होगा,
कि ए अव्यय होगा ए से और बी अव्यय होगा बी से, ठीक ना। तो ये हो गया समुच्चयात्मक रूप, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए इसके आगे, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे कुछ बिंदु हैं या नोट्स लिखेंगे, ठीक ना। जिसमें पहला देखिए, यदि समुच्च ए में यम अव्यो पी डाल लेते हैं ना, पी डाल लेते हैं, पी अव्यो एवं समुच्च बी में क्यू अव्यो हो तो ए क्रॉस बी में अब कितने कुल अव्यो, कितने अव्यय हो जाएंगे, या में अव्यय, ठीक ना, कुल क्या अव्यय लिख देते हैं, में अव्यय कुल कितने अव्यय हो जाएंगे, तो जाएगा पी क्वे क्यू हो जाएगा, ठीक ना। हम इसको पहले लिख लेते हैं फिर हम इसका एग्जांपल लेके बता देंगे। अब देखिए, अगर ए क्रॉस बी में पी गुणे क्यू मतलब पी क्यू अव्यय हैं तो इसके घात समुच्च में कितने होंगे। देखिए घात समुच्च, इसको देखिए, इसको ए लिख लिया, अब देखिए और इसी को हम लिखें, ये देखिए यन ए में अगर अव्यय पी है और यन बी में, है ना, समुच बी में अव्ययों की संख्या क्यू है, तो हमको ए क्रॉस बी में अव्ययों की संख्या कितनी जाएगी, पी क्यू हो गई, ठीक ना। अब घात समुच में, घात समुच ए क्रॉस बी में कुल अव्यय कितने हो जाएंगे, देखिए इसको लिखते हैं दो के घात पी क्यू, ठीक ना, तो दो के घात पी क्यू आ गया। देखिए हम इसका एक एग्जांपल लेके करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम घात समुच में लिखें यन, और देखो कि घात समुच को पी लिखते हैं, ठीक ना, घात समुच पी ए क्रॉस बी में कितने अव्यय हो जाएंगे, तो दो के घात पी क्यू, ठीक ना। देखिए हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए पहला जैसे यहाँ लिख लेते हैं, देखिए एक समुच ले लिया जिसके अव्यय एक और दो हो गया, ठीक ना, और एक समुच ले लिया जिसका तीन और ये चार हो गया, ठीक ना। देखिए इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा इसको हर चीज़ को। तो ये शब्दों में लिख लिया है और इसको मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए अगर हम ए क्रॉस बी करें, ठीक ना, देखिए ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, सभी क्रमिक युग्म में हमको मिल जाएंगे, ठीक ना। ए क्रॉस बी भी एक समुच्च होता है, इसके अंदर अव्यय कितना हो जाएंगे, देखिए ए क्रॉस बी में जो अव्यय हुए वो यहाँ पर क्रमित युग्म हैं, ठीक ना, और समुच्च के अंदर लिखे हैं। देखिए हम लिख के बताते हैं इसको, जैसे यहाँ पर कितने हैं, देखिए यहाँ पर पहले इसके अव्ययों की संख्या भी हम संख के रूप में लिख देते हैं। देखिए माने यन ए बराबर कितने हैं, देखिए ये दो हैं, ठीक ना, और यन बी बराबर ये दो है, ठीक ना। देखिए ये है समुच के रूप में कि समुच ए में, ये समुच ए के रूप में लिखा है जिसके दो अव्यय हैं, बी समुच में भी ये दो अव्यय तीन और चार हैं। अगर इसमें लिखें कि ए में अव्ययों की संख्या यन संख्या को दिखाता है तो यहाँ दो हैं, और यन बी में भी दो अव्यय हैं। अब अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी देखिए एक समुच बनेगा, तो इसमें क्या होगा, देखिए एक तीन क्रमित युग्म लिख रहे हैं हम, एक चार, फिर दो तीन और दो चार, ठीक ना। तो चूंकि ए क्रॉस बी में देखिए जब ब्रेकेट लगा देते हैं तो ये एक समुच्च हो जाता है, तो ए क्रॉस बी भी जो मिला हमको एक समुच्च मिला जिसके देखिए एक दो तीन चार, चार अव्यय हैं और ये अव्यय क्रमित युग्म है यहाँ पर, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें अगर हम देखें कि अव्ययों की संख्या, देखिए यन ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी जो समुच्च है उसमें अव्ययों की संख्या कितनी है,
तो देखिए हमने बोला अगर इसमें P है इसमें Q है तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या P गुणे Q होता है, मतलब 2 गुणे 2 लिख लिया हमने, तो 2 गुणे 2 बराबर ये 4 आ गया। देखिए 1 2 3 4 हमने लिख भी लिया है, यहाँ तक तो हो गया। अब घात समुच्च के बारे में लिखते हैं, तो घात समुच्च में क्या होता है कि A क्रॉस B जो भी है इसके अगर हम इसका घात समुच्च अगर निकालें तो A क्रॉस B के जितने भी उप समुच्च बनेंगे, ठीक ना, जितने भी उप समुच्च बनेंगे उन सबों का समुच्च को ही घात समुच्च बोलते हैं। प्रकार देखिए A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर हम इसके घात समुच्च में लिखें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे n p a क्रॉस b में घात समुच्च कितने जाएंगे, तो लिखेंगे 2 के घात 4, तो इस प्रकार ये 16 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो घात समुच्च में कुल 16 अवयव हमको प्राप्त होंगे, ठीक ना। तो ये पहले पॉइंट का ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखिए इसी प्रकार एक दूसरा लिख दें, देखिए यदि A अथवा B रिक्त समुच्च हो, रिक्त समुच्च हो तो A क्रॉस B भी रिक्त समुच्च होगा, रिक्त समुच्च होगा, ठीक ना। जैसे यदि यहाँ पर A वाले में 3 अवयव 1 2 3 और B वाले में खाली है, तो इसका इसके संग कोई कर्मित युग्म बनेगा ही नहीं, तो इस प्रकार A क्रॉस B बराबर ये हमको 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट है, देखिए थर्ड में, यदि A अथवा B अपरिमित समुच्च है तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या अपरिमित होगी, अपरिमित होगी, ठीक ना। ये अवयव लिखा है, इस अवयव के स्थान पर आप इसमें क्रमित युग्म भी लिख सकते हैं, क्रमित युग्म, ठीक ना। क्योंकि देखिए A क्रॉस B एक समुच्च बन रहा है और एक समुच्च के अंदर जो भी लिखा था उसको अवयव बोलते हैं, ठीक ना। अवयव की संख्या अपरिमित होती है या A क्रॉस B अपरिमित होता है, या तो लिख सकते हैं A क्रॉस B अपरिमित होगा, ठीक ना। जैसे मान लिया A बराबर 1 2 3 है और B वाले में यहाँ से लिखा है 3 4 5, ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक ना। तो एक का संग, एक का जोड़ा 3 के संग, एक का 4, एक के संग 5, इसी प्रकार एक का अनंत पहले बनेगा, एक के संग अनंत संख्याओं के संग क्रमित युग्म बनेगा, फिर 2 का क्रमित, इस प्रकार जब A क्रॉस B आएगा तो ये भी अनंत आएगा, ठीक ना, तो अनंत तक जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए अब एक लास्ट पॉइंट और है कि यदि 3 समुच्चय A B और C हो तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो क्रमित त्रिक बनेगा, त्रिक प्राप्त होगा। जैसे अगर 2 का बना, देखिए 2 समुच्चय होते हैं तो हमें क्रमित युग्म मिलता है, ठीक ना। ये बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मगर यहाँ पे क्रमित त्रिक का मतलब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक ना, ट्रिपलेट्स मिलेगा हमको, ठीक ना। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पर A B और C, ठीक ना, तो जैसे A के अवयव A हो गया, B का स्मॉल B और C का C, तो इसको अगर हम समुच्च निर्माण रूप में लिखना चाहें
तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए बी सी। इस प्रकार है कि ए अवयव हो ए का, बी अवयव है बी का और सी अवयव है सी का। ठीक, तो देखिए इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 करेंगे।